मॉर्निंग मैसो जी। अनिंदर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैक्सवेल, वी कैन स्टार्ट नाउ। यस वी कैन स्टार्ट। या आई एम रेडी। ओके ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट। गुड लक। शैल आई स्टार्ट? थैंक यू। मेरा आवाज क्लियर आ रहा? एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। आप सभी लोग को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ा सा मैं मेरा मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं मेरा नाम है मैक्सवेल ट्रेवर। मैं मेंबर टीआईडीसी हूं, मेंबर ऑफ द एथलीट्स कमीशन सीएफआई। आई एम अ यूसीआई सर्टिफाइड लेवल 2 कोच। मैं 10 साल लगातार नेशनल चैंपियन रह चुका हूं। उसके अंदर वो 10 साल के अंदर 2 इवेंट में, ट्रैक इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड किया था। उसी टाइमिंग को उसके आगे 2 बार बेटर किया था। मेरा टाइमिंग जो था 0.04 सेकंड्स, मॉस्को ओलंपिक के टाइमिंग के पास आया था। और इसी 10 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे और मैंने जो स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूशन किया था उसी बेसिस पे मुझे एक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, सोहेली यूनिवर्सिटी पैनामा अमेरिका ने एक हॉनरी डॉक्टरेट दिया गया है। उसमें है पीएचडी इन स्पोर्ट्स, स्पेशलाइजेशन इन साइकिलिंग। और मेरा साइकिलिंग से मैं 40 साल से जुड़ा हुआ हूं एंड आई हैव क्वाइट सम एक्सपीरियंस इन साइकिलिंग। लेकिन अभी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक द सीएफआई एंड द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इस ई पाठशाला ऑनलाइन प्रोग्राम ने, मैंने, मेरा उम्मीद है कि इसमें से सभी को फायदा होगा, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द एलीट कोचेस। इस प्रोग्राम में आप सभी लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का आज क्लास है, ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ने, सीएफआई ने ये मेथड को प्रोग्राम करके, इस मेथड को जो है डिजाइन करके, इंप्लीमेंट करके, ये मेथड बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। अगर आप देखेंगे तो 8-10 साल पहले जब हम यूसीआई का वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट जब देखते थे तो हमारे इंडियन राइडर्स के नाम आपको कहीं 200-250 के लिस्ट में कहीं दिख के नहीं आता था। और हम उस टाइम ये चाहते थे कि कहीं 200 के आसपास अगर इंडियन राइडर का नाम कहीं दिख गया तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो आपको 200 के आसपास देखने का जरूरत नहीं है, आपको 200 के नीचे देखने का जरूरत नहीं है, आपको 150 और 200 के बीच में ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता इंडियन राइडर का नाम के लिए। आप जब देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 देखेंगे, आप नीचे से देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब ऊपर से आप 1, 2, 3, 5 देखेंगे तो आप सभी इंडियन राइडर के नाम ही नजर आएंगे। तो अगर ये सक्सेस नहीं है तो ये क्या है? तो दिस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो है, इट इज डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड, सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ द सीएफआई। और उसी के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप ध्यान दीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई एम श्योर दैट वी विल गेन अ लॉट फ्रॉम दीज क्लासेस। तो चले, लेट अस गो स्ट्रेट अवे इनटू द प्रोग्राम। एक मिनट। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट तो चलिए, दिस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, सो लेट अस गेट स्ट्रेट अवे इनटू दिस। व्हाट इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है क्या? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज एन एक्सेप्शनल नेचुरल एबिलिटी
इसका मतलब है कि देयर इज सम आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होगा. द एथलीट और द पर्सन टेंड्स टू परफॉर्म बेटर देन द अदर्स एस्पेशली इन हिज ओन एज ग्रुप. तब आपके पास ये एक्सेप्शनल नेचुरल एबिलिटी है तो आप बाकी लोग से अच्छा करने लगते हैं, और स्पेशली आपका जो एज ग्रुप के अंदर है आप उनसे अच्छा जब करने लगते हैं तो इसी को हम टैलेंट बोलते हैं. तो ये टैलेंट कैन बी इन एनी फील्ड. आप देखिए, कोई किसी के पास गाना गाने का टैलेंट है, किसी के पास डांसिंग टैलेंट है, किसी के पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन का टैलेंट होता है. आप देखिए, कभी वो अभी उसको कुछ अकाउंटिंग का कुछ दिया तो आप कैलकुलेटर के ऊपर करने से पहले वो आपको जवाब दे देगा. तो ये है क्या, ये टैलेंट है. सो दिस इज टैलेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स टैलेंट के बारे में आज बात करेंगे, और उससे क्या फायदा होगा, और उसको कैसा करना चाहिए, और उसको टैलेंट के बाद में उसको आगे क्या करना चाहिए. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो प्लीज पे अटेंशन. तो व्हाट इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज अ की एरिया इन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट. इसका मतलब है कि ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में एक चावी है. दिस इज ए की टू डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स. इसका एक चावी है, वो चावी आपके पास रहने से इट मेक्स इट वेरी इजी. आप दरवाजा खोल के आगे जाके इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं. टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन एनालाइजिंग प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर एबिलिटी ऑफ एन एथलीट. अगर ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे तो आप एक एथलीट का फ्यूचर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका जो एबिलिटी आगे जो करने वाला है, यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि आगे जाके क्या करने वाला है, उसके अंदर कितना एबिलिटी है, और उसके कौन सा इवेंट में अच्छा होगा. बहुत सारे आपको ये ऐसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और उसके ऊपर आपने उसका जो फ्यूचर प्लान कर सकते, उसका फ्यूचर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके ऊपर से आप उसको आइडेंटिफाई करके यू कैन मेक ए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एथलीट. इट मेक्स इट ईजियर टू डिफाइन द इवेंट सूटेबल फॉर द एथलीट. जब ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो आपको कौन सा इवेंट में एथलीट अच्छा होगा, कि इंड्योरेंस में है, कि स्प्रिंट में है, कि कौन सा इवेंट में अच्छा कर सकता, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा. तो उसके ऊपर से आप जो है उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं. कभी ऐसा होता है कि वो एथलीट के अंदर इंड्योरेंस का टैलेंट है और उसको हम स्प्रिंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पता लगा कि एक साल के बाद ये एक्चुअली इंड्योरेंस राइडर नहीं है, ये स्प्रिंट राइडर है. तो उसका एक साल वेस्ट हो गया, और उसके जो साथ के जो टैलेंटेड राइडर्स थे, टैलेंट एथलीट्स थे, वो तो उसके आगे जा चुका है जब तक. तो इसके लिए हम लोग को जरा ध्यान में रख के we have to identify all these areas. ki pehle baat uske andar talent kya hai, uske andar endurance talent hai ya sprint ka talent hai, ye sab we have to identify all this properly. By knowing the suitable event of the athlete, you can make a more effective and scientific and specific event training program for the athlete. to sab ye information hamare paas aa gaya, to iske upar se hum log ko jo hai उसका जो इवेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम, उसका जो इफेक्टिव प्रोग्राम, हम लोग उसको प्लान करके उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है बना सकते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट. अभी क्या है इसमें, की फैक्टर्स क्या है, की फैक्टर्स फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. इसमें कुछ की फैक्टर्स है, जैसा नंबर वन पे एज है. तो आप जब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो आप पहले ये देखना चाहिए कि ये एथलीट का एज कितना है. Generally, the best age for talent identification, 10 और 14 साल के बीच में जो है, और उसके आसपास जो भी एज है, that is the best age for talent identification. क्योंकि देखो, अगर एक बच्चा के अंदर टैलेंट है, एक एथलीट के अंदर टैलेंट है, और उस टैलेंट को आप टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं करके, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो आगे जाके अगर उस पर वर्क नहीं करके, उसको प्रमोट अगर नहीं करा, उसको उसके ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे, तो वो जो टैलेंट है दैट विल डिनिमिश, मतलब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. एक कहावत है इंग्लिश में, व्हेन यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट. अगर आप टैलेंट को यूज नहीं करेंगे तो उसका उसको खो देंगे आप. अगर आप 25 साल के लड़के को में टैलेंट आइडेंटिफाई करें,
तो एक्चुअली वो टैलेंट उसको बहुत पहले से था और वो 10 साल तक तो कुछ किया ही नहीं, तो जो टैलेंट एबिलिटी था जो है एट द एज ऑफ 10 वो टैलेंट एबिलिटी अभी नहीं रहेगा एट द एज ऑफ 25। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एंड आइडेंटिफाई टैलेंट इन द यंग एथलीट्स बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 14 के आसपास जो है। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी। जब हम टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लोग क्या है, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल नेचुरल एबिलिटी इन द राइडर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता आपको एक राइडर सेलेक्ट करना है और आप देखिए तो चार राइडर और चार एथलीट जो है एक बराबर के परफॉर्मेंस दे रहे, मतलब एक ही लेवल के टैलेंट दिख के आ रहा है इनके अंदर। जैसा अभी जो प्रोसीजर हम लोग आगे देखने वाले है, जैसा वर्टिकल हाई जंप हम लोग कर रहे हैं, तो चार के चार एथलीट जो है ऑलमोस्ट सेम हाइट में जंप कर रहे हैं, जैसा लॉन्ग ब्रॉड जंप कर रहे हैं, तो उसी हर एरिया में जो आप ट्रायल लेंगे तो आप देखेंगे कि तीन चार एथलीट जो है एक ही मतलब बराबर के टैलेंट इनके अंदर है और आपको लेना है एक, तो आप कैसा लेंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको जरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। आप बैकग्राउंड चेक, एक तो क्या है, आप चार एथलीट को ले लो या चार राइडर जो एक बराबर के है, मतलब सिमिलर टैलेंट एबिलिटीज सिमिलर परफॉर्मेंस, और उनको ये पूछना चाहिए कि ये बैकग्राउंड में क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि उनको ये पूछना है कि इससे पहले इनका कुछ एथलेटिक ट्रेनिंग था या इनका एक्टिविटीज कुछ था, इनका फिजिकल एक्टिविटीज क्या था, कब से कर रहे, हाउ लॉन्ग व्हाट इज द ड्यूरेशन दे हैव बीन डूइंग एथलेटिक्स फॉर, ये ट्रेनिंग कब से कर रहे थे। तो आपको ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक एथलीट ने एक साल से ट्रेनिंग कर रहा, सेकेंड एथलीट जो है 8 महीने से ट्रेनिंग कर रहा, थर्ड एथलीट जो है 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा और चौथा एथलीट जो है वो कुछ भी नहीं किया इससे पहले, मतलब वो फर्स्ट टाइम ट्रायल दिया, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में आया, पार्टिसिपेट किया और इनके बराबर परफॉर्म किया, इनके बराबर टैलेंट दिखा के आया। तो आप किसको लेंगे ये चार में, अगर आप एक को लेना है तो किसको लेंगे। तो वी विल टेक द टैलेंटेड वन हु हैज डन नथिंग बिफोर, इससे पहले जो कुछ नहीं किया था वो दिख के आ रहा कि बिना कुछ करे उसके अंदर टैलेंट है, बिना कुछ करे, ये तो कुछ करके आया 6 महीने 3 महीने 1 साल से कुछ करके आ रहे, लेकिन ये जो एथलीट है जो बिना कुछ किए ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो वी विल डेफिनेटली गो एंड पिक द वन दैट डिड नॉट डू एनी बैकग्राउंड अर्लियर एक्टिविटीज। उसके बाद में आप उनका न्यूट्रिशन, उनका फूड एंड न्यूट्रिशन का बैकग्राउंड चेक करिए, क्योंकि कभी ऐसा है कि उनका खाने का हैबिट्स क्या है, आपको उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाता। उसके बाद में आप रेस्ट एंड रिकवरी का बैकग्राउंड चेक करिए कि ये कब सो रहे, कब उठ रहे, मतलब इनका रेस्ट पीरियड कितना हो रहा, इनका डेली एक्टिविटीज क्या है, ये स्कूल कब जा रहे, कब वापिस आ रहे, क्योंकि आजकल बच्चे जो है कभी कभी 2-3 बजे तक पबजी के साथ बैठ के खेलते रहते, तो आपको उसका जो थोड़ा सा कैरेक्टर भी मालूम हो जाता, उसका जो रेस्ट पैटर्न एंड रिकवरी भी मालूम हो जाता, और उसके बाद में इट विल बी वेरी इजी टू, चार में से एक अगर सेलेक्ट करना है तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई हु इज द बेस्ट वन अमंग द फोर। अगर समझो आपको दो ही सिमिलर परफॉर्मेंस मिल रहा, दो ही सिमिलर, इससे आगे कुछ इससे पीछे कुछ नहीं करे, इनके पास एकदम मतलब दोनों के पास इक्वली टैलेंट है विदाउट एनी पास्ट activities या without any past training, दोनों भी अच्छा कर रहे, तो then I suggest that we take both। हम तो talent ही ढूंढ रहे ना, एक के जगह का दो मिला तो अपने लिए benefit है, जैसा market में buy one get one free आ जाता तो हमें एक ढूंढे तो दो मिल गया, तो I suggest that ये दोनों को लेना मेरा suggestion है। तो अभी next इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके अंदर explosive power क्या है। explosive power हम लोग उसके तरीका है आगे जाके हम देखेंगे उसको, तो हम लोग इसका जो ये स्टैंडिंग वर्टिकल जंप जो हम करा रहे हैं, ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो करा रहे हैं, इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर एक्सप्लोसिव पावर है, कि इसके अंदर इसके फास्ट ट्विच मसल्स डेवलप्ड है, इसके जो फास्ट ट्विच फाइबर्स जो है ये कहाँ तक डेवलप हुआ। तो इस ये करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, अगर उसका फास्ट ट्विच मसल्स डेवलप्ड है तो आपको ये पता लग जाएगा कि दिस कैन बी अ गुड स्प्रिंटर, ये अच्छा स्प्रिंटर बन सकता है। तो चलिए आप इंड्योरेंस के पास जाएंगे, अगर आपको पता लगा कि ये राइडर में इंड्योरेंस का टैलेंट है, तो इंड्योरेंस का टैलेंट में जनरली उसका स्लो ट्विच मसल्स डेवलप्ड रहता,
तो अगर आपको पता लग गया कि इसका स्लो ट्विच मसल्स डेवलप्ड है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये राइडर के अंदर या ये एथलीट के अंदर, इसके अंदर एक इंड्योरेंस का एबिलिटी है, इसके अंदर एक इंड्योरेंस का टैलेंट है। तो उसके हिसाब से जो है आप उसको सेग्रीगेट करके आप उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको कौन सा इवेंट में डालना चाहिए, और इट मेक्स इट अ लॉट इजियर फॉर यू टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट एथलीट, टू मेक ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एथलीट एंड टू फ्यूचर गाइड द एथलीट टू अचीव हिज गोल्स। अभी नेक्स्ट एम्स, गोल्स एंड मोटिवेशन। अभी ये एम्स, गोल्स और मोटिवेशन में जनरली देखो, जब जब हम लोग टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है, टैलेंटेड एथलीट है लेकिन उसका एम्स कुछ और है, उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता लेकिन उसका एम्स कुछ और है, वो तो एक्टर बनना चाह रहा या वो तो कुछ सिंगर बनना चाह रहा लेकिन उसके अंदर है टैलेंट, तो पहले उसका एम्स देखना। अगर वो और कुछ बनना चाह रहा और आप उसको जबरदस्ती स्पोर्ट्स में लेंगे तो उसका पूरा जो आपको बेनिफिट मिलना है वो राइडर का जो एबिलिटीज, पूरा एबिलिटीज है उसको उसके अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है। उसका गोल्स क्या है, हाउ मच इज ही मोटिव, उसका मोटिवेशन कितना है, अगर वो स्पोर्ट्स करना चाह रहा तो उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन कितना है। तो ये सारे चीज का बैकग्राउंड हम लोग को देखना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता कि अगर टैलेंट है और वो एथलीट के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको आगे जाके नचर करना या उसको ट्रेनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें और एक पार्ट है, ये कभी ऐसा होता कि बच्चे के अंदर टैलेंट है, एथलीट के अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है और वो स्पोर्ट्स करना भी चाह रहा लेकिन पेरेंट्स जो है इसको कराना नहीं चाहते। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ वी आर डीलिंग विद अंडर 14 चिल्ड्रेन, मतलब छोटे बच्चे है, 10-12 साल 14 साल के बच्चे के आसपास है, तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और तभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एथलीट के अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है और उसके जो पेरेंट्स है उसको डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं या उसका पेरेंट्स जो है उसको इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, वो तो यही सोचते कि, कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली मेरे साथ भी होता कि पेरेंट्स ये सोचते कि अगर वो स्पोर्ट्स में मेरे बच्चे को डाला तो इसका जो स्टडीज एकदम खराब हो जाएगा, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसका जो एकेडमिक फ्यूचर खराब हो जाएगा, इनका यही, बहुत से पेरेंट्स का सोच यही है। तो इसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा रोल होता है एज ए कोच, एज ए टैलेंट आइडेंटिफायर, हमारा बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब पेरेंट्स को कन्विंस करना, तो हम टैलेंट तो ढूंढने गए, कभी कभी टैलेंट पेरेंट्स के पास अपना भी टैलेंट दिखाना पड़ता है, अपना टैलेंट इसलिए दिखाना पड़ता है कि उसको कन्विंस करने के लिए टैलेंट भी चाहिए। तो हम कैसा कन्विंस करेंगे अगर वो पेरेंट मान रहा ही नहीं कि मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं डालना और बहुत ही अच्छा टैलेंट है। आप समझो कि इसके अंदर आपको दिख क्या रहा कि इतना अच्छा टैलेंट है कि ये आगे जाके ओलंपिक में भी मेडल ले सकता है, लेकिन पेरेंट्स उसको डालना नहीं चाह रहा क्योंकि ये सोचते कि स्पोर्ट्स जो है मेरा बच्चे का एकेडमिक फ्यूचर खराब हो जाता, पढ़ाई खराब होता। और बहुत सारा पेरेंट्स का यही सोच है कि जब एथलेटिक्स या जब कोई भी स्पोर्ट्स करेंगे तो मेरा बच्चा का पढ़ाई खराब होता, मेरा बच्चे का एकेडमिक फ्यूचर खराब हो जाता। तो हम लोग को क्या करना चाहिए उसकी ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में मैं पेरेंट्स को यह समझाना, एग्जाम्पल्स देना चाहिए। देखो हमेशा एग्जाम्पल इज बेटर देन, बात करने से अच्छा एग्जाम्पल देना चाहे। तो मेरे पास कभी कभी ऐसा बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पेरेंट स्पोर्ट्स में डालना ही नहीं चाह रहा। तो हमारे पास जैसा हैदराबाद में पीवी सिंधु है, तो मैं पीवी सिंधु का एग्जाम्पल देता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि इनके पास इतना मतलब अच्छा डेवलप हो गई, इतना अच्छा फाइनेंशियली साउंड हो गए, तो अगर ये पढ़ाई से, ये जितना भी इसके पास आज आया, ये पढ़ाई से आया कि स्पोर्ट्स से आया, तब जाके इनको थोड़ा सा समझ में आता है कि स्पोर्ट्स में भी कुछ है। और मैं इनको ये समझाता हूँ कि आज का दिन वो एक अच्छा डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट में है, वो पोस्ट जो है उनकी पढ़ाई की तरफ से पोस्ट नहीं आया, उनका जो स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो पोस्ट आया। तो पेरेंट्स को जो है अपना काम है, अपना टैलेंट यहाँ दिखाना चाहिए और पेरेंट्स को जो है इनको ये समझाना चाहिए कि ये भी स्पोर्ट्स के अंदर आपको इतने सारे बेनिफिट्स है, ताकि
अगर ये ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं तो आपको एक ही बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं और आप बता सकते कि स्पोर्ट्स की तरफ से उसको कितने सारे बेनिफिट्स आए और इतने सारे बेनिफिट्स और इतना अच्छा फाइनेंशियल साउंडनेस, ये कभी इतने यंग एज में ना पढ़ाई से आता था ना कोई बिजनेस से आता था। तो अपने को ये समझाना है। और एक क्या है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिजिकल एक्टिविटीज से बच्चे का जो है एकेडमिक फ्यूचर इम्प्रूव होता है। वो कैसे, कई रिसर्च लोग रिसर्च कर चुके हैं और उसके अंदर ये पता लगा कि, मैं थोड़ा आपको पढ़ के फिर समझाऊंगा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज इन स्टूडेंट्स इंप्रूव द फोकस ऑन स्कूल वर्क। तो ये इट इज ऑलरेडी प्रूवन कि तब आप रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो आपका जो फोकस है स्टडीज के ऊपर, आपका जो फोकस है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको आपका फोकस जो स्टडीज पे बढ़ रहा है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से बढ़ रहा। तो ये हमारा काम है कि पेरेंट्स को ये समझाना चाहिए। इट हेल्प्स देम लीड अ हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ। इसका इनके अंदर एक खुशी बन जाता है, एक हैप्पियर हैप्पीनेस बन जाता, एक स्ट्रेस रिलीफ, एक स्ट्रेस बस्टर है ये। आपको पता होगा चाहिए कि इवन जब थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे हैं वो लोग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है स्कूल में। उनका जो सिलेबस है, उनका जो बुक्स जो उठा के ले जाते हैं स्कूल को, इनके ऊपर एक बहुत सारा बोझ है, बोझ मतलब एक स्ट्रेस है। और इट इज प्रूवन कि जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करेंगे तो ये स्ट्रेस को कभी नॉट ओनली रिड्यूस द स्ट्रेस, इट कैन ऑल्सो रिमूव द स्ट्रेस टोटली। तो ये हमारा काम है कि पेरेंट्स को ये समझाना। इम्प्रूव द GPA। अब GPA क्या है? GPA इज ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटर मार्क्स, बेटर रिपोर्ट, बेटर स्कोर, बेटर स्कोर शीट। तो आगे जाके स्पोर्ट्स की तरफ से आपका पढ़ाई भी इम्प्रूव हो रहा, जैसा जैसा पेरेंट्स जो छा रहे हैं उनका उनका पढ़ाई इम्प्रूव होना, तो वो स्पोर्ट्स की तरफ से इसका पढ़ाई का भी इम्प्रूव हो सकता है। आप और एक ध्यान में रखो, ये जब यंग बच्चे है इनके अंदर एक पेंट अप एनर्जी होता है, मतलब एक बिल्ट अप एनर्जी होता है, वो उनको रिलीज करना जरूरी है। और कभी कभी ये इतना जो इन्वॉल्वमेंट है इनका पढ़ाई में, इतना जो इन्वॉल्वमेंट है स्कूल की एक्टिविटीज के अंदर, ट्यूशन के अंदर, इनका जो इतना सारा पढ़ने के लिए कुछ है, तो इनको कभी कभी ये एक मौका नहीं मिलता कि इनके अंदर जो ये पेंट अप, ये बिल्ट अप एनर्जी है उसको रिलीज करने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको मौका देना चाहिए टू रिलीज दैट पेंट अप एनर्जी। एक और है, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप कोऑर्डिनेशन। अब ये कैसा, हाउ कैन अ पर्सन डेवलप कोऑर्डिनेशन थ्रू स्पोर्ट्स। आप बास्केटबॉल लीजिए, आप बास्केटबॉल के अंदर अब जब गेम खेल रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन आता है कि बॉल किसको पास करे, कौन उसके आगे है, कौन पीछे, आपको स्प्लिट सेकेंड के अंदर कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन, आपका कोऑर्डिनेशन डेवलप होता, आपका जो इसका अंदर आपका जो रिफ्लेक्सेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स इंप्रूव विच विल लीड टू अ बेटर एंड ए मोर सक्सेसफुल एकेडमिक लाइफ। उसके अंदर हेल्प्स अ चाइल्ड रीप बेनिफिट्स, इंप्रूव्स द मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। आपका मेंटली भी आपको इम्प्रूवमेंट दिख गया था। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें जरा ध्यान दीजिए। व्हेन द बॉडी एक्सरसाइजेस द ब्रेन रिलीजेस इंडोफिन्स। अब बच्चे जब एक्टिविटीज करते हैं, जब उनका फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, वो इंडोफिन्स केमिकल है। ये केमिकल करता क्या, हाउ डज इट हेल्प इन स्पोर्ट्स। इंडोफिन्स इज अ सब्सटेंस रिलीज्ड इन द ब्रेन व्हाइल द बॉडी इज एक्सरसाइजिंग। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग पेन एंड बूस्टिंग प्लेजर। आपके अंदर ये एक मतलब एक प्लेजर फायदा हो जाता, आप जो आपका जो स्ट्रेस लेवल्स को डाउन करता आपका बॉडी के अंदर, आपके अंदर इट बूस्ट द प्लेजर एंड ब्रिंग्स डाउन स्ट्रेस। तो देखिए आप, ये कितने सारे पॉइंट्स है हमारे पास कि पेरेंट्स को समझाने के लिए। इसके आगे मेरे पास वीडियोस बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको थियरी पार्ट समझाया बाद उसको आप मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे अपन कैसे करेंगे, हाउ विल सेलेक्ट टैलेंट, टैलेंट कैसा दिख क्या आता।
Some of the skills and abilities developed through physical fitness are leadership qualities, teamwork, self-confidence, team management, self-reliance. ये देखो ये activities से कितने सारे चीज के फायदा हो रहा, इतने सारे चीज का मतलब आपके पढ़ाई के अंदर फायदा हो रहा. तो ये बहुत से पेरेंट्स को इतना जानकारी नहीं होता उनके पास. कुछ पेरेंट्स के पास होता तो उनके इट्स ईजियर टू एक्सप्लेन टू देम. कुछ पेरेंट्स के पास नहीं होता और ये जरूरी भी नहीं है कि उनको उनको मालूम होना चाहिए. तो एज ए कोच, एज ए टैलेंट आइडेंटिफायर, हमारे काम है कि उनको समझाना और उनको कन्विंस करना हमारा काम है. इसलिए मैं बोला हमारा भी टैलेंट कभी कभी दिखाना पड़ता है. और एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग. आप जब स्पोर्ट्स करेंगे आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही इंप्रूव हो जाता. समझो आप फुटबॉल खेल रहे, आप फुटबॉल खेले जब आपके आपको कवर कर रहे चार चार प्लेयर कवर कर रहे, आपको किसको बॉल पास करना, आपको एक स्प्लिट सेकंड मिलता, मैं किसको बॉल दूं, कि कौन फ्री है, आपको एक स्प्लिट सेकंड के अंदर आपको कितने डिसीजंस लेना चाहिए, बॉल कौन फ्री है, कौन गोल के पास है, वहां से कौन उसके पास कौन है, वहां से अगर मैं बॉल इसको दिया तो बॉल उस आगे जाके किसको दे सकता, मतलब कितना सारा थिंकिंग करना पड़ता है ना स्प्लिट सेकंड. तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग जो है बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो जाता. और ये इतने सारे बेनिफिट्स है दैट द पेरेंट्स कुछ समझा सकते हैं. वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि इसके वजह से आपका मतलब आपका लड़का या लड़की का कोई नुकसान नहीं होगा. हालांकि इतने सारे बेनिफिट्स होता कि आप स्पोर्ट्स में डालिए, आपके पास ये सब इसके बेनिफिट्स के अलावा आपके पास ये भी बच्चे का टैलेंट है और आगे जाके कुछ बन सकता. तो अभी चलो हम देखेंगे कि इसमें क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई टैलेंट, ये प्रैक्टिकल वेज टू आइडेंटिफाई टैलेंट जो है. एक तो मैं जैसा आपको इससे पहले बताया था कि दिस मेथड CFI ने इसको डिजाइन करके, इसको इम्प्लीमेंट करके, ये मेथड फॉलो करके इतना सारा इतना अच्छा सक्सेसफुली इसका सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मैं इससे पहले दिखाया और वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में मैं बताया कि कहां से कहां तक हमारे राइडर का वर्ल्ड रैंकिंग आया. हम जैसा मैं पहले बताया था, हम तो 10 साल पहले 200 के आसपास देखते थे. जब लिस्ट देखते थे UCI का जो वर्ल्ड रैंकिंग है तो हम 200 के आसपास देखते थे और ये सोचते थे कि हमारे इंडियन राइडर का नाम अगर कहीं 200 के आसपास दिख गया तो कितना अच्छा रहेगा. लेकिन आज के दिन हम नीचे से देखना नहीं पड़ेगा, ऊपर से 1-2-3 देखेगा तो आपको सारा इंडियन राइडर के नाम ही दिख के आएगा. तो ये सक्सेस है. तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन प्लान जो CFI ने इसको इम्प्लीमेंट करके इसका पूरी तरह के सक्सेस भी देख चुके हैं और आपको और हमारे को भी दिख के आ रहा कि इसका वैल्यू कितना है. और इसका अगर हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे एट द ग्रास रूट लेवल, कि हम भी ग्रास रूट लेवल से लेके वो टैलेंट आगे जाके कुछ बन सकता है. तो ये फर्स्ट जो है स्टैंडिंग वर्टिकल जंप है, जिसमें इसका एक वीडियो में दिखाता हूँ. ये थ्री टाइप्स ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है. एक तो स्टैंडिंग वर्टिकल जंप है, एक तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है और एक तो 1600 मीटर्स रनिंग है. ये रनिंग का वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये इसका कराने से क्या है, आपको कहीं भी 1600 मीटर्स का अगर आपको ग्राउंड है तो जनरली एथलेटिक ट्रैक 400 मीटर का लैप होता है तो उसके अंदर आप 4 राउंड का टाइमिंग ले सकते हैं. नहीं आपके पास ग्राउंड भी नहीं है तो आप ऐसा करिए कि कहीं रोड पे आपका स्कूटर के साथ मेजरमेंट करिए, या कोई साइकिल में भी कंप्यूटर होता है, आप 1600 मेजर करिए और उसके ऊपर से आप बच्चों को जो है दौड़ा सकते, रनिंग करा के उसका टाइमिंग ले सकते. उसके अंदर आपको एक और तरीका है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और उसका जो जैसा मैं बताया था इंड्योरेंस एंड उसका स्लो ट्विच मसल्स कहाँ तक डेवलप हुआ. तो चलिए आप देखेंगे इसका प्रैक्टिकल वीडियो जो है ऑफ स्टैंडिंग वर्टिकल जंप. अभी हम लोग ये करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडिंग हाई जंप. इसके अंदर जो है ग्रास रूट लेवल में टू आइडेंटिफाई टैलेंट, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ राइडर या एथलीट आप उसको कहीं दीवार के पास ऐसा खड़ा करके, मतलब दीवार में तो कहीं कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड है तो आप राइडर को ऐसा खड़ा करके
लेकिन स्ट्रेचेस हैं तो इसका ये एंड जो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होना चाहिए और इधर जो है आगे मार्किंग लगा दीजिए, जैसा ये मार्किंग लगा दीजिए तो अपने को इसका मैक्सिमम स्ट्रेच हैंड हाइट पता लग गया। तो अभी राइडर जो यहाँ करके स्टैंडिंग पोजिशन में सबसे ऊंच मतलब हाइट कूदना कोशिश करेगा, इससे जो हम लोग को पता लग जाएगा इसके अंदर एक्सप्लोसिव पावर है कि नहीं। दिस इज वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई फास्ट ट्विच मसल एंड टू आइडेंटिफाई एक्सप्लोसिव पावर इन एन एथलीट। तो अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फिंगर पे कुछ ऐसा मार्किंग लगा दीजिए, जैसा ये कलर है मार्कर आपके पास जो भी है एनी काइंड ऑफ कलर मार्किंग आप ऐसा लगा के अभी ये फूट के जो है दीवार पे मार्किंग लगाए। तो दिस इज हाउ इज अबाउट टू जंप। अभी देखा आपको रेड लाइन दिख गया, आपको वो रेड लाइन 9.5 के नीचे जो एक रेड लाइन दिख गया, दैट इज अ रेड लाइन दैट इंडिकेट्स ही हैज जंप्ड अप टू दैट पॉइंट। तो हम लोग अभी वो पॉइंट से लेके इसका जो मैक्स, तो ये अपने को यहाँ पता लग गया कि ये डन 27 इंचेस, ये जो है जमीन से 27 इंचेस ये जंप ऑफ द ग्राउंड। तो इससे पता लग जाता कि ये जो है इसके अंदर ही इज गॉट वेरी गुड फास्ट पिच मसल एंड ही हैज वेरी गुड एक्सप्लोसिव एनर्जी इन हिम। तो दिस इज वन ऑफ द वेज, एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा तरीका है टू आइडेंटिफाई ग्रास रूट लेवल में टू आइडेंटिफाई टैलेंट। दिस इज वन ऑफ द वेज दैट जनरली टैलेंट इज आइडेंटिफाइड एट द ग्रास रूट लेवल। बिसाइड दिस वी हैव अदर वेज एंड मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग टैलेंट बट दिस इज वन ऑफ द वेज। तो आप यहां देखें कि जैसा राइडर जो है दीवार के पास हम लोग मार्किंग लगाया और ये एथलीट जो है इसका हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि इसका एक्सप्लोसिव जंप, इसका मतलब इसका सडन किक ऑफ, इसका जो जमीन से कितना ऊंचा तक स्प्रिंग एक्शन कैसा ही कैन गेट अप ऑफ द ग्राउंड। तो हम ये देख रहे थे कि हाउ गुड इज ही इन दिस स्प्रिंग एक्शन इन ये जो एक्सप्लोसिव एनर्जी। इससे पता लग गया कि दिस राइडर जो है इफ इज 27 इंचेस अगर जमीन से कूद रहा तो दिस इज एन इंडिकेशन कि इसके अंदर फास्ट ट्विच मसल्स काफी डेवलप्ड है और एक मतलब अच्छा स्प्रिंटर बन सकता है। ये अपने को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल रहा है इधर कि ड्यू बिकॉज ऑफ दिस इसके रिजल्ट्स के हिसाब से हम लोग को ये पता लगता है कि ये राइडर के साथ कहां तक कि आगे जाके क्या कर सकता है और इसके अंदर क्या टाइप ऑफ मसल्स है। बाय रिकॉग्नाइजिंग द मसल्स अपने को ये पता लगता है कि कौन सा इवेंट इसके लिए देना। अभी पता लग जाता है कि ये स्प्रिंटर बन सकता है आगे जाके यार, मतलब सारे टेस्ट के बाद में वी विल एनालाइज और देखेंगे कि ये राइडर कौन सा इवेंट में अच्छा होगा, ये राइडर कौन सा इवेंट में अच्छा होगा। तो आप इधर क्या कर रहे हैं, आप जो है एक बेस बना रहे और ये जो टैलेंट जो ऑलरेडी इनके अंदर है वो टैलेंट को आगे जाके उसको डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट वो एक और एक सब्जेक्ट है, टैलेंट ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद में वो टैलेंट डेवलपमेंट और एक और कुछ है, उसके बारे में भी थोड़ा हम बात करेंगे आगे जाके। तो अभी ये हम लोग देख लिए ये स्टैंडिंग वर्टिकल जंप है, आप कोई भी कर सकता किधर भी कर सकते हैं, आपके पास एक टेप होना चाहिए और कई आपके पास एक बैकग्राउंड मिलना चाहिए जैसा दीवार है या जैसा कोई बोर्ड है, ऐसा कोई भी इवन आपके पास अगर पोल या कुछ ऐसा पोल टाइप का कुछ है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल मेथड है और इसके अंदर से काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है राइड एथलीट के बारे में। तो आप कहीं भी कर सकते ये और कोई भी कर सकता है, आपको ये इससे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ये एक सिमिलर मतलब टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, आप उस वीडियो को देखे बाद हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये एक और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट द ग्रास रूट लेवल है, ये एक एक्सरसाइज है, मतलब ये इसको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको ये करना चाहिए, राइडर को जो है एक लाइन मार्किंग लगा के राइडर को या एथलीट को उस लाइन पे खड़ा कर दीजिए और ये देखना कि इसका पैर जो है लाइन के आगे नहीं आना चाहिए और ऐसा टेप लगा के आप मार्किंग कर दीजिए। ये जैसा ये 2 फीट है, ये 4 फीट है, ये 6 फीट है और हम लोग यहाँ जो है 3-3 इंच के गैप से मार्किंग लगाया
ताकि हमको ये उम्मीद है कि ये राइडर जो है यहाँ तक कूदने वाला है, बिकॉज वी नो द कैपेसिटी ऑफ दिस राइडर। इसलिए हम लोग क्या करें, इधर आप भी वही कर सकते हैं, अगर इफ यू नो द कैपेसिटी ऑफ योर राइडर ऑफ योर एथलीट, आप उसी जगह में दो दो या तीन तीन इंच के गैप के अंदर आप मार्किंग लगा दीजिए। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग को ये पता लग जाता है कि इसका एक्सप्लोजिव एनर्जी कितना है, इसका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कितना है, और इसके अंदर इसका जो फास्ट ट्विच मसल्स है, इसका फास्ट ट्विच मसल्स कहाँ तक डेवलप हो गया, इसके हमको पता लग जाता है। तो ये कैसा करना चाहिए, इसको यहाँ लाइन पे खड़ा कर दीजिए, ये देखो कि इसके पैर आगे नहीं आना चाहिए, और जैसा मैं इसको गो बोलेगा, ये सिटिंग बैठ के मतलब सिटिंग फिर खड़ा होकर एकदम विदाउट मूवमेंट एक ही दम वहाँ से वो पोजिशन से जंप करेगा। तो हम लोग ये देखना है कि कहाँ तक कूद रहा, द फर्दर द राइडर जंप, मतलब जितना आगे कूदेगा इसका ये मतलब है कि उसका फास्ट पिच, दैट विल इंडिकेट द फास्ट पिच मसल्स एंड दैट विल इंडिकेट इज एक्सप्लोजिव पावर इन हिम। तो अभी देखो ये राइडर रेडी है कूदने के लिए, तो आई विल गिव अ सिग्नल और इसको रेडी गो बताएगा, उसके बाद में कूदेगा एंड देन विल फोकस कि कितना कहाँ तक कूदा। ओके, आर यू रेडी राइडर? राइडर रेडी जंप। Here we see the rider. He's done 7 feet and 10 inches. ये 7 feet 10 inch खुदा। ये जो 7 feet है और 7 feet 10 inch खुदा। So this is indication कि he has good explosive power, fairly good explosive power. इसका जो fast twitch muscles है, they are fairly good. So ये एक और तरीका है to identify talent at the grassroots level. So we've earlier seen कि जो स्टैंडिंग हाई जंप का, अभी ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, एक और तरीका है जहाँ आप रोड पे या ट्रैक पे आप कहीं भी एक मार्किंग करके 1600 मीटर्स का एक लूप बनाओगे, सर्कुलर बना के उसके अंदर आप एथलीट को रनिंग कराना चाहिए, और अगर वो 6 मिनट के अंदर मतलब 5 मिनट 45 सेकेंड्स के अगर आसपास करेगा, तो दैट विल इंडिकेट कि उसका एरोबिक एनर्जी, उसका एरोबिक कैपेसिटी इज वेरी गुड and his slow twitch muscles will be fairly good. So इससे ये type of grassroots level talent identification से क्या अपने को rider या athlete का talent पता लग जाता, और उसका जो fast twitch या slow twitch muscle, which muscle is he has better developed muscles in him, उससे हम लोग को ये पता लग जाता। तो यहाँ चलिए हम लोग दो type of methods देखे कि in talent identification में, दोनों ही मेथड सिमिलर टाइप का आपको रिजल्ट्स आएगा, लेकिन ये हमेशा ये अच्छा है कि एक इवेंट या एक मेथड करने से, दो तीन मेथड करने से आपको बेटर इंफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि देखो सिमिलर इंफॉर्मेशन हमारे को स्टैंडिंग वर्टिकल जंप में आया, सिमिलर एबिलिटीज है उसके पास, इसलिए वो जो एथलीट है इतना कूद सका, और ये जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है सिमिलर क्वालिटीज, सिमिलर मसल डेवलपमेंट इसके अंदर भी है, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक ही मेथड के बेटर है कि आप दो तीन मेथड ट्राई कर दीजिए। और जैसा 1600 मीटर्स का मैं बता रहा था, तो 1600 मीटर्स के अंदर आप जो है कहीं भी कर सकते हैं, आप ग्राउंड होना जरूरी नहीं है, आप छोटा सा इवन 100 मीटर्स का एरिया में आप उसको मार्किंग करके आप करा सकते हैं। तो आप ये सारा इंफॉर्मेशन लिए बाद आपके पास एक अच्छा बेस बन जाता कि आपको पता लगता कि इसके अंदर कितना टैलेंट है, कौन सा मसल डेवलप है, ये राइडर आगे जाके कौन सा इवेंट में अच्छा कर सकता है, यू गेट ए वेरी गुड इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में जो है आप उसके हिसाब से उसको जो इवेंट में डालना है आप डाल सकते हैं, और उसके बाद में उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बना सकते हैं, और जो है आप ये जो मेथड्स जो है अब तक आप जो देखे, ये साइकिलिंग बैकग्राउंड, बिल्कुल साइकिलिंग मतलब ये एथलीट जो है नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि ये साइकिलिस्ट होना चाहिए, ये टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आप कोई भी बच्चा मतलब 10-14 इयर्स के लड़का को लेके उसके अंदर आप ये टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो साइकिलिस्ट होना चाहिए। आज का दिन देखो आप जो अभी हमारे पास CFI में जो ईसो है, वर्ल्ड चैंपियन जो है, उसका भी सिलेक्शन ऐसी हुआ था, उसका जो है ऐसा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया था CFI ने, और VN सिंह ने जाके ये सिमिलर मेथड्स करके वो टैलेंट आइडेंटिफाई करके आज का दिन देखो ये टैलेंट, दिस इज द ग्रास रूट है,
तो यहां से लेके आप वर्ल्ड चैंपियन बन गया, तो आप देख सकते कि ये मेथड जो है बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है। दिस इज ऑलरेडी टेस्टेड एंड ट्राइड, इसका मतलब ये टेस्ट हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है और इसका जो प्रोग्रेस अपने को पता भी लग चुका है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेज, तो ये आप कहीं भी कर सकते हैं, आप स्कूल्स में जाके कर सकते हैं, आप अपने अपने स्कूल्स में जाके 7th to 10th क्लास के बच्चों को लेकर आप 7th 10th क्लास के बच्चों के अंदर ये सारा ले सकते हैं। अभी आगे चलो, हम आगे जाके देखेंगे कि साइकिलिंग स्पेसिफिक, अब ये ट्रायल हुए बाद एक साइकिलिंग स्पेसिफिक मेथड है जो CFI में ये अडॉप्ट करे, और ये CFI का कंस्ट्रक्टेड मेथड है, अगेन इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मेथड। तो चलिए हम लोग ये साइकिलिंग स्पेसिफिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मेथड देखेंगे। इसके अंदर जो देखो ये साइकिलिंग स्पेसिफिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसा है कि आपके पास वॉट बाइक है तो बहुत ही अच्छा है, आपके पास अगर वॉट बाइक नहीं है तो आपके पास ये वाहू बाइक एक ट्रेनर बाइक है, उसका जो कॉस्ट है 70-80,000 के आसपास होगा, वो तो ये कुछ होना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर ये टेस्ट के लिए तो आपको कुछ डेटा वाटा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपने पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। वॉट बाइक तो चलो बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन ये तो आई थिंक इज फेली अफोर्डेबल, आप कहीं जाके भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट कर पहले आप एथलीट या राइडर को वार्म अप 15-20 मिनट वार्म अप का टाइम देना चाहिए, उसका पूरा मसल्स ग्रुप ऑफ मसल्स वार्म अप होए बाद आफ्टर इज ब्लड सर्कुलेशन गेट्स अप फेली गुड, उसका मतलब रेडी फॉर एन इवेंट, आप जैसा इवेंट में राइडर को वार्म अप कराते उसी तरह आप इधर भी आप राइडर को वार्म अप के टेक्निक्स दीजिए, उसका पूरा बॉडी वार्म अप होए बाद आप ये करेंगे कि 6 seconds का एफर्ट देखेंगे। आप ये 6 seconds का कैसा एफर्ट देखेंगे, आप ये जैसा वॉट बाइक हो या जैसा ये वाहू बाइक हो उसका सारा मतलब विथ शू क्लीट सब बांध के आप विसिल ले लो या कुछ भी इंडिकेशन दो और 6 seconds का आप देखो, उसको भी दिख गया था, आपका स्क्रीन पे भी दिख गया था, आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकता, वो देखेंगे आगे जाके वीडियो, उसका वीडियो भी है। तो 6 seconds का एफर्ट लगाया बाद आपको उसके अंदर उसका पावर पता लग जाता, उसका पावर कितना है, उसका हार्ट रेट कितना गया, बहुत सारा आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन आ जाता, और उसके ऊपर आपको मतलब अगेन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई एंड टू रिकॉग्नाइज टैलेंट। तो 6 seconds का एफर्ट हम कराएंगे, फिर 3 minutes का रिकवरी, मतलब वो साइकिल से उतरेंगे नहीं, इट इज एक्टिव रिकवरी, उसी वॉट बाइक या उसी वाहू बाइक के ऊपर बैठ के एक्टिव रिकवरी, वो धीरे धीरे पेडल मारेगा, उसका जो हार्ट रेट 3 minutes का रिकवरी हुए बाद आप 6 seconds का एफर्ट आप देखेंगे। पहले आप 6 seconds कराएंगे, फिर 3 minutes एक्टिव रिकवरी देंगे, फिर 6 seconds का फिर एक एफर्ट देखेंगे आप, उसके बाद में 4 minutes का रिकवरी देंगे एक्टिव रिकवरी, उसी साइकिल पे आप 4 minutes का एक्टिव रिकवरी देंगे, और उसके बाद में आप 4 minutes का एफर्ट देखेंगे, आप 4 minutes का एफर्ट देखेंगे। तो इसके अंदर आपको ये 6 seconds का पावर मिल जाता, उसका हार्ट रेट, उसका केडेंस, उसका जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए साइकिलिंग के हद तक फॉर ए साइकिलिस्ट, आपको उसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता, और उसके बाद में जो है आप वो इन्फॉर्मेशन को लेके उसको एनालाइज करके आप उसके ऊपर आप जो है इसका फ्यूचर, एथलीट का फ्यूचर बहुत ही अच्छा तरीका से उसको डिसाइड कर सकते कि कौन सा इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, कौन सा इवेंट उसके लिए सूट होता है, और आगे जाके कौन सा इवेंट में ये अच्छा कर सकता है। दिस इज ए वेरी गुड मेथड। तो चलिए इसका वीडियो देखेंगे। Maxwell, the audio for the video is very less. Just increase that volume. Audio, okay. Three minutes का active recovery लगा, उसके बाद में एक second set,
और उसके बाद में फिर 4 मिनट का रिकवरी लेगा। ओके 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 4 मिनट का रिकवरी का देखो आप ये ओके ओके राइट 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 एफर्ट कर रहा है आप इसके अंदर आप देख सकते हो उसका वॉल्यूम उसका पावर इसके पावर में अपने को रिकॉर्डिंग आ गया इसका हार्ट रेट इसका पावर जो है इसका केडेंस इसका 6 सेकंड्स का एफर्ट अपने को पता लग गया है कि इसका वॉटेज कितना था इसका केडेंस कितना था और इसका जो हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट कितना था। अभी ये राइडर जो है अभी इसके बाद में 3 मिनट्स का एक्टिव रिकवरी लेगा उसके बाद में नेक्स्ट 6 सेकंड्स का एफर्ट देगा। अभी जो है एक्टिव रिकवरी कर रहा 3 मिनट का। अब यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट 6 सेकंड एफर्ट के बाद में राइडर जो है 3 मिनट्स का एक्टिव रिकवरी कर रहा था। अब उसका एक्टिव रिकवरी पीरियड में है इसका सेकेंड 6 सेकंड जो है अभी कुछ ही सेकंड में चालू होने वाला है इसका सेकंड 6 सेकंड इसका एफर्ट जो है उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि इसका पावर कितना है इसका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है इसका केडेंस कितना है तो सब दिख के आ जाता। तो अभी राइडर जो है इज गेटिंग रेडी फॉर द सेकंड 6 सेकंड्स एफर्ट। अब इसका सेकंड 6 सेकंड का एफर्ट चलने वाला है आप देख सकते हैं राइडर जो है रेडी हो रहा और इस सेकंड 6 सेकंड एफर्ट ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का साइक्लिंग स्पेसिफिक एक मेथड है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का राइडर अभी ऑल आउट एफर्ट लगा रहा है आप देख सकते हैं उसका उसका पावर नहीं दिख रहा 6 सेकंड्स भी हो चुका है। अभी जो है राइडर 4 मिनट का एक्टिव रिकवरी लेगा अभी इसका एक्टिव रिकवरी 4 मिनट तक चलेगा। अब राइडर जो है साइकिल पे बैठेगा और नेक्स्ट 4 मिनट तक इसका जो एक्टिव रिकवरी चलेगा उसके बाद में एक 4 मिनट का एफर्ट लगाएगा। अभी यहाँ हम लोग देखे ये एक तरीका है जहां 6 सेकंड्स और 4 मिनट्स है लेकिन CFI में मेथड जो फॉलो करते हैं वो है 6 सेकंड्स 3 मिनट्स रिकवरी 6 सेकंड्स 3 मिनट्स रिकवरी 30 सेकंड्स 4 मिनट्स रिकवरी और आप 5 मिनट्स का एफर्ट एक लगा सकते हैं। तो आपके पास मतलब ये एक तरीका है लेकिन CFI में जो खेलो इंडिया के हद तक जहां CFI का प्रोसीजर है उसके अंदर आप ध्यान दीजिए उसके अंदर 6 सेकंड्स 3 मिनट्स रिकवरी 6 सेकंड्स 3 मिनट्स रिकवरी 30 सेकंड्स 4 या 5 मिनट्स रिकवरी उसके बाद में 5 मिनट्स का एफर्ट होता है। तो वो एक तरीका है एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड मेथड दैट इज अडॉप्टेड बाय द CFI इम्प्लीमेंटेड एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड एंड रिजल्ट्स हैव बीन सीन। तो अभी हम लोग यहाँ देखे वो 30 सेकंड्स का वीडियो मेरे पास नहीं है और हमारे पास नेक्स्ट वीडियो जो वो 4 मिनट का है लेकिन आप 6 सेकंड्स 30 सेकंड्स और 5 मिनट्स भी आप कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट 4 मिनट्स का एफर्ट देखेंगे इस राइडर का मतलब पूरा 4 मिनट्स का वीडियो नहीं है मेरे पास लेकिन उसके अंदर आप एक मिनट का आप देख सकते हैं। ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का साइक्लिंग स्पेसिफिक नहीं मेरे पास सॉरी वो वीडियो 4 मिनट्स का वीडियो भी नहीं है। तो मैं जैसा आपको समझाया कि यू हैव दिस काइंड ऑफ मेथड यू आल्सो हैव द केलो इंडिया काइंड ऑफ मेथड दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय द CFI। तो मेरा सजेशन है कि आप जो केलो इंडिया जो CFI का जो मेथड है उसको आप इंप्लीमेंट करिए क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर इट इज ए टेस्टेड एंड प्रूवन टू बी सक्सेसफुल मेथड। तो आप वो 6 सेकंड्स रिकवरी 3 मिनट 6 सेकंड्स 30 सेकंड्स और 5 मिनट्स का वो जो है आप उसको फॉलो करिए बिकॉज इट इज ए प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अब तक हम लोग देख रहे थे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो है आप ये सारा कुछ जैसा आप अब तक देखे ये सब कुछ हो गए बात
नेक्स्ट जो है टैलेंट डेवलपमेंट, अब उस टैलेंट को लेके आपको डेवलपमेंट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप टैलेंट आप देख लिए और वो टैलेंट आप बिना कुछ करे वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जैसा एग्जाम्पल में दिया था, जो हमारे इंडियन राइडर्स है, पहले तो CFI ने पहले ऐसे रॉ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ने किया था, उसके बाद में उसको टैलेंट को डेवलप भी किया था। कई साल तक, 2-3-4 साल तक CFI ने टैलेंट डेवलपमेंट किया, वो जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप था, उसके बाद में टैलेंट डेवलपमेंट करा और उसके बाद में रिजल्ट्स हम लोग को दिख के आ रहा कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास राइडर्स है। तो टैलेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। इज फर्स्ट स्टेप इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, आप पहले उसको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में जो है आप उस टैलेंट को डेवलप करो और उसका डेवलपमेंट के लिए दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, वो बहुत उसके अंदर भी बहुत कुछ है डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम लोग को वो सब्जेक्ट में, हमारा जो आज का सब्जेक्ट है इस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट इज अनदर सब्जेक्ट, इज अनदर वास्ट सब्जेक्ट, हाउ टू डेवलप आफ्टर आइडेंटिफाइंग टैलेंट, हाउ टू डेवलप दैट टैलेंट, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो चलिए लेट्स मूव ऑन। टैलेंट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम लोग एक दिन कई गांव के आसपास हम लोग वहाँ कड़के, मतलब कार का पंक्चर बना रहे थे, तो उस टाइम में हम लोग देख रहे थे एक जो नाला टाइप है, वो नाला जो है ऑलमोस्ट 8-10 फीट का विड्थ था, वो 8-10 फीट चौड़ा था, उसके ऊपर एक ब्रिज था। तो सारे स्कूल के बच्चे जो है ब्रिज पे चढ़ के जा रहे थे और हम देखे 5-10 मिनट में काफी बच्चे लोग वहां जमा हो गए और ये देख रहे, मतलब खड़के थे। तो हम लोग मतलब वो किसी के इंतजार में खड़ रहे थे, तो हम जरा क्यूरियस हो गए कि बच्चे क्या कर रहे। तो हमने जाके पूछा कि क्या आप लोग यहाँ क्यों खड़े। तो बच्चे बोले, वो देखो वो जो लड़का आ रहा पीछे, वो लड़का जो है ये नाला के उधर से इधर कूदेगा, तो उसको देखने के लिए हम लोग खड़े। तो जैसा वो लड़का आया, वो एक लड़का जाके उसका बैग लिया और वो बिना कुछ वार्म अप करे कुछ नहीं किया, वो तो पैदल आ रहा था। वो करीब 8-10 फीट का नाला है और वो इधर से लेके एक ही जंप में पार कर दिया। मतलब आप लोग कभी ग्राउंड पे जाके टैलेंट ढूंढते, हम कभी यहाँ वहां टैलेंट देते, दिस इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड। तो मैं तो एकदम हैरान हो गया कि देखो हम तो टैलेंट के लिए नहीं आए, लेकिन अचानक एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस में हमको टैलेंट दिख के आ गया। तो मैं जाके बात किया था, वो लड़का से जाके बात किया था, लेकिन उनका जो पेरेंट्स है तो टोटल बोले कि हम तो गांव में ये बच्चा जो है काम करने वाला बच्चा है और पढ़ने वाला बच्चा है, ये सुबह पेपर देता है, ये चाय, ये दूध देता है, इसके अलावा इसका जो अर्निंग्स पे हम लोग जी रहे वी विल नॉट। बहुत कोशिश किया हमें, मैं उनको बहुत समझाना कोशिश किया, लेकिन वो नहीं माने। तो एक अच्छा टैलेंट हम लोग मतलब दिख गया है, लेकिन उसको डेवलप नहीं कर सके। जैसा मैं सेकंड स्टेप का बता रहा था, नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट हम नहीं कर सके। सो कभी ऑलवेज कीप योर आईज ओपन। अगर आप कोच है, अगर आप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो जहां भी आप गए आपको कुछ ना कुछ टैलेंट दिख के आएगा। आप जहां भी अगर बैठ के दावा में चाय पी रहे, तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चे कहाँ खेल रहे, वो बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। अगर वो क्रिकेट खेल रहे तो कहाँ उसका रनिंग कितना है उसका, मतलब आप कहीं भी बैठे आपको कहीं ना कहीं टैलेंट दिख के आता। तो आपका मतलब बी अवेयर, बी वेरी ऑब्जर्वेंट, और आपको कई मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में आपको टैलेंट दिख के आएगा। आपको जाके ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता, कभी कभी वो टैलेंट अपने सामने आ जाता कभी कभी। सो आइडेंटिफाइंग मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में अपना एज ए कोच वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट एंड एक्टिव, ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड टैलेंट। So with this, I think mera 45 minutes bhi ho gaya. Thank you very much. Before I close, I would like to thank Cycling Federation of India and the Sports Authority of India once again for giving me this opportunity. Thank you one and all. We will also like to say that if somebody has any question, they can come forward and take a call. चैट बॉक्स में जाकर नाम लिखें, अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो उनको क्वेश्चन को आंसर दिया जाएगा। कल का प्रोग्राम कल का जो टॉपिक है, आल्सो जेंटलमैन वी हैव सीन दिस बाय मिस्टर मैक्सवेल ट्रेवर हु हैज बीन अ नेशनल चैंपियन फॉर 10 इयर्स इन हिज प्राइम डेज एंड इन 80s
and he was holding Indian record as well. Many times he has broken national record. अपना खुद का record इन्होंने कई बार तोड़ा है national record. और 10 सालों तक ये national champion रहे. आज आपके class को इन्होंने बहुत अच्छा से संबोधित किया है. हम चाहते हैं कि आप में से जो इन्होंने जैसे जो चीजें समझाई talent identification के विषय में बहुत अच्छा class लिया. ये हम एज ए फेडरेशन में ये प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं. सभी पूरे इंडिया भर में हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के विषय में जैसे इन्होंने बताया जो बच्चे कम से कम 7.5 फीट से ऊपर जंप कर सकते हैं 14-15 साल के बच्चे 13-15 साल के बच्चा अगर कोई 8 फीट जंप कर सकता है उसके लिए साइकिलिंग में दरवाजे खुले हैं. उसके ये माना जाता है कि ही हैज ए वेरी गुड टैलेंट. तो ऐसे खिलाड़ियों को कोई भी बच्चा कहीं भी हो इंडिया के कोने में वो हमारे कोचेस से मिल सकता है या साइकिलिंग फेडरेशन में डायरेक्ट हमें बता सकता है, मेल लिख सकता है और हम उसको पर्सनली आके चेक करेंगे या हमारे कोई कोच जाके चेक कर सकता है. 8 फीट जंप करना 7.5 से 8 फीट या उससे ज्यादा अगर कोई जंप कर सकता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या 2 फीट वर्टिकल जंप. क्योंकि बेसिक जैसे पहले इन्होंने वर्टिकल जंप के विषय में बताया तो 24 इंच अगर लड़कियों के लिए थोड़ा रिलैक्स है, लड़कियों के लिए 20 इंच से ऊपर अगर कोई लड़की जंप करती है. सिमिलरली स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में लड़कियों के लिए भी जो सीलिंग है वो अबाउट 7 फीट है. 7 फीट अगर कोई जंप करता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा और वैसे बच्चों के लिए साइकिलिंग फेडरेशन हेल्प करने के लिए तैयार है. जो इसके ओवरऑल स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और वर्टिकल जंप और प्लस एक जो रनिंग है बॉयज के लिए 1600 मीटर्स की रनिंग टेस्ट है जो एथलेटिक टेस्ट है और गर्ल्स के लिए 800 मीटर का टेस्ट है. तो 1600 मीटर शुड बी फिनिश्ड इन अबाउट 6 मिनट एंड 800 मीटर इन 3 मिनट 15 सेकेंड्स. ये एक पैरामीटर दिया गया है जो कि हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और आपको फिर से दोबारा भी दे दिया जाएगा. वेबसाइट पर आप चेक करेंगे पैरामीटर्स तो वहां पर आप मिल जाएगा. अभी आप में से किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो अपने पास अब 10 मिनट और रहेगा. We can address your queries. Please put your name chat box and we'll open your this one. You can question us. Vinay, check it with anybody raising any question. Sir, those who have questions, please raise hand. I will unmute them. Raise hand से पता चल जाएगा नाम लिख देते हैं ना. बट चैट बॉक्स में ढूंढने से नहीं मिलेगा. इफ पीपल रेज हैंड वी विल अनम्यूट देम. ओके जेंटलमैन प्लीज रेज योर हैंड. आई मीन देयर इज अ प्रोविजन इसमें जो लोग हैंड रेज करेंगे उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा. वो मेरा स्क्रीन पे कोई 30 लोग रेज हैंड्स कर रहे थे. यस यस वन इज पोंगोफा आई थिंक सम पोंगोफा इज देयर. ओके उनको अनम्यूट कीजिए और लेट हिम आस्क द क्वेश्चन. आई एम डूइंग अनम्यूट. वन सर यार हो लॉगिन करें सर. Hello sir, good morning. This is Shojato Roy sir. Sir, I want to go to the MTB Nationals from Kolkata. How to go? Hello. Sorry,
जेंटलमैन, लाइक जब भी नेशनल चैंपियनशिप डेट अनाउंस होता है उस समय आपको स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए, और वहाँ हर स्टेट में ट्रायल्स होते हैं, आप स्टेट ट्रायल्स में भाग लेंगे तो आपको वहाँ, अगर आप टीम में अपना स्थान बना पाते हैं, यू विल सर्टेनली गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन नेशनल चैंपियनशिप। आपके स्टेट के सेक्रेटरी मिस्टर अभिजीत सेठ हैं, और उनका नाम आपको उनका मोबाइल नंबर वेबसाइट cyclingfederationofindia.org वेबसाइट पर अवेलेबल है, यू कैन कंसल्ट हिम वेरी वेल, अदरवाइज यू कैन कॉल टू CFI, वी विल गिव यू हिज नंबर। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? प्लीज रेज योर हैंड, बिना चेक कर लो जो भी हैंड रेज करता है उनको ओपन करो। 31 पार्टिसिपेंट्स आर रेज्ड। Emmanuel, somebody is... Yes. Hi sir, I am Rahul, Tamil Nadu. Sorry, from where? Rahul from... Hello. Hello. Guys, please come one by one. Sir, hello, how guys, much please time can be taken one. For 1600 meters run? Sorry, फिर से? How much time can be taken for 1600 meters run? Okay, 1600 meters run is उसमें ऐसा है कि 6 मिनट wait, others wait, please listen to the reply. 6 मिनट का सीलिंग है और उससे नीचे आप जितना 5 सेकंड का टाइम करेंगे उतना एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। ये सभी जो हमने पैरामीटर सेट किए हैं इसमें कुछ पॉइंट सिस्टम है, जैसे 7.5 feet जंप करने वाले को एक 0 पॉइंट है, उसके बाद हर 2 inch पर एक पॉइंट, एक्स्ट्रा 2 inch आप जंप करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है। सिमिलरली रनिंग में भी 6 मिनट के नीचे जितना भी आप कम टाइम करेंगे उतना ही आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, हर 5 सेकंड पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। ओके सर, आई वांट टू नो अबाउट व्हाट इज द मिनिमम टाइम वी टेकन फॉर 160 मीटर रन, बेसिक टाइम, बेसिक टाइम फॉर 160 मीटर रन। एक आदमी को म्यूट करो। हेलो, एक आदमी को One Hello, person sir. Should be unmuted now. Good morning, sir. What is the basic time can be taken for 116 meters run? 1600 meter an hour. ground, 4 laps. Okay? Just athletic ground, there will be 4 laps. 1600 meters. And you can see, usme ceiling is 6 minutes. You can go as fast as you can. Some people can run in 5.5 and 5:15 also. People have run, a good cyclist. Those who have good endurance, they can run in 5 minutes 30 seconds also. Thank you. Anybody else? विनय, जो एक एक बंदे को अनम्यूट करो। हाँ, मैं इधर से अनम्यूट करने की कोशिश करूँ, उनके पास ऑप्शन जाता होगा जो होस्ट वांट टू अनम्यूट यू, दे कैन क्लिक ऑन ओके। नहीं, जिसको आप जो जिसको अनम्यूट करते हो उसका नाम अनाउंस कर दो। ये ओप्पो A31 से किसका नेम है, मोबाइल का नाम डाला, नाम नहीं डाला। मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ, बट उनके पास मैसेज आएगा, वो ओके पे क्लिक करेंगे जब वो अनम्यूट। मिस्टर इमैनुअल इज आस्किंग समथिंग। मिस्टर इमैनुअल प्लीज अनम्यूट। ओके इमैनुअल, यस मिस्टर इमैनुअल प्लीज टेल मी। इमैनुअल किस नेम से है उनका? अच्छा सॉरी, इमैनुअल क्या नाम? स्क्रीन को कॉमन कर दो और एनीथिंग वेयर
the children or the youngsters can go and contact. And yeah. Second thing is at what age the youngsters should normally start? Is it like 12 years, okay. 13 years or 15? Listen, see... answer in English as well as Hindi. Yes, yes, no problem. See, for a cyclist, young cyclist, we recommend 12 years of age can start cycling. And because 12 years age, boy, have a good knowledge of traffics also. Because the cyclist has to go on road for road training also. So, the 11 to 12 years of age is recommended for starting cycling. We have a category, a special category of young athletes, youth category in national championship, which is for 12 to 14 years. And they participate in this category. From every state, there are participants in this category and they are allowed to participate in. So the one has to start as good as 10 to 11 years so that you get your selection in your state at the age of 12. But early than 12, okay. There is no participation in national championship. You can train 1 year before from 10 or 11 years, but 12 okay. years onward. That is not that exactly okay. your age should be 12. It should be like if this year is the national championship, so the born between 2006, eight to six will be allowed to participate okay. in the any month. January to December, from 2008 okay. to 2006 will be okay. considered in this category. Okay. Then one more question. Yeah. So, sorry. Every state has a cycling body, is it? Where can? Yeah. You are from which state? I am actually from Tamil Nadu, Chennai. Okay. Tamil Nadu also have a state body, and secretary is Mr. Ponnu Swami, who is from Coimbatore. We have displayed their okay. mobile number on our okay, website. One day I will during this classes. One day again okay. we will display their everybody's okay. number, secretary number, and you people can note down. Otherwise, you can go to CFI website and there is address public email okay. ID of all the secretaries. Okay. Right. Thank you. Okay. Right. Thank you. Thank you. Thank you. Other person. Welcome. Yes, anybody else? Next. Next is Manish Rajan. Okay. Mr. Manish Rajan, please speak. He has to do okay on his screen. I am trying to unmute him, but next is Gyandeep. Gyandeep, okay. Yeah. उनको स्क्रीन पर ले आओ जिसका भी हां बट वो पहले वहां से ओके करेंगे जब हम इनको अनम्यूट करेंगे तो उनके पास मैसेज आएगा वो right. उधर से ओके करेंगे जब भी वो अनम्यूट हो पाएंगे गाइस ओके ज्ञानदीप सर हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द असम बोर्ड ऑफ साइकिलिंग असम साइकिलिंग एसोसिएशन सेक्रेटरी मिस्टर तपन दास ही इज फ्रॉम गुवाहाटी And you can also get his number from our cycling federation of india.org website. Tapan Das. Okay. Sir. Any other question? Sir, how to contact you all? See, you can go to cycling federation of india website, cycling federation of india.org. There, number of all cycling federation office bearers is already there. Even my number is also there. But you can better you contact your state secretary, and the state secretary you can interact with him because he will be first person to help you. If he is not responding or you are not getting any help, you can contact Cycling Federation of India. We have our landline number also. And landline as well as mobile number also displayed there. Next is Bobby Gode. Bobby Gode, please unmute yourself. Hello, sir. Bobby Gode here.
Good afternoon, sir. Actually, sir, I have a question regarding cyclists. Please introduce yourself, which place you belong to, and everybody, whoever is coming, please introduce yourself. Yeah. Okay, sir. Sir, actually, I'm from Aurangabad, Maharashtra. Very good. Okay, sir. Good afternoon, sir. Actually, I have a question regarding cyclists. Actually, in my city, there are many cyclists. They are of age 21, 22. But as you told, it should be only near about 18 to 18 and 14 you talk about. Sir, but what about 21 age and more than that? They are also willing to participate in nationals. Very, very correct question. Yes, sir. They are having that type of caliber. So how we can participate? No. I very much, you are most welcome. Listen, what we are telling that those who are starting their career in cycling, so this actually course is for grassroots level. That means the newcomers. Now, your question is valid. Who are already 20 or 22? You are already elite. I mean, you are senior guys. So elite cyclist ko apne state mein trial mein bhaag lena chahiye. Aapke state aur district level par competition hote hain. Maharashtra state ke jo secretary hai, Mr. Sathe, Sanjay Sathe from Ahmednagar. And also Mr. Pratap Jadhav, who is our treasurer also, Cycling Federation of India, treasurer hai aur pahle bahut dino tak secretary rahe. So aap inme se kisi se baat kar sakte hain ya unke website dekh sakte hain. Unse baat karke unka jo state championship hota hai wahan par aap bhaag lein. Unke state mein aap position lenge, then you will get the chance to participate in national championship. So this is a system. हर जगह एक सिस्टम बना हुआ है. हर आदमी को नेशनल नहीं खिलाया जा सकता. हम स्टेट टीम को भाग लेने के लिए वो करते हैं. हर स्टेट से करीब 10 खिलाड़ी, सीनियर के खिलाड़ी हमारे नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने आते हैं. तो वो जो आप बेस्ट 10 में अपने स्टेट में अगर आप आएंगे, देन यू गेट द चांस टू पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल. सो आप औरंगाबाद है या जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, when Maharashtra state championship is organized, you must take part there, because otherwise there is no, they cannot select you simply. Yes, sir. Okay. Actually, one more last question, sir. I just want to ask you. Actually, there are so many people I see in my city also. Actually, they are having that type of caliber, but they are not having that much money and that much funding to buy a cycle. So what solution we can give to that type of people? Now see, as far as caliber is concerned, like we discussed today, talent identification. Now with the age is, if you are 10 to 12 to 14 years of age, we are also searching for the we are holding the talent search program. For them, we select, draw guys, and we are putting them, we have opened five academies all across India. One in Delhi, one in Patiala, Guwahati, Trivandrum, and Imphal. Presently, five academies are going to be open, where we are admitting only young guys. Now, senior people have to prove on cycle. Or because senior people, we cannot build them as from beginning. We cannot start. If you have talent, you have to prove in your state level competition or in the national level competition. And if you are selected, if you outperform there, if you are performing better, we select from there for the national champions, for national coaching camp, where we will give you all the facility. We will give you best of the cycles. But up to national level, you have to show your talent when you are senior. Or even junior also, even 17 and 18 years. Actually, yes, sir. Actually, we run a cycling club in my city. Actually, from our funding also, we try to help the new cyclists to try to come in cycling. So we have distributed around 4 cycles. If you have young guys who are talented, you can send them to our trials. Yes, sir. Talent hunt program. Yes, sir. And for the people who are already crossed the age of 16, 17 years and above, then for them, this is the only way to come through national championships. Okay, sir. Right. Thank you. So where I can get the numbers of Pratap Singh and all? Can I get it through the site? Keep on doing. One day I will display the number. You can take the photograph. Okay, tomorrow we will display
number of all the secretaries, right? Okay, sir. Thank you so much, sir, for sharing your details. Welcome. Next is Vinay Rai. Vinay Rai. Yeah. Yes, come in, Vinay Rai, please. Unmute yourself. Hello. Vinay Rai, are you hearing? हाँ आवाज आ रही सर ओके बताइए सर अब जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन मेरा भी था तो सॉल्यूशन मिल गया ये मेरा रूट जो होगा स्टेट के थ्रू नेशनल लेवल के लिए होगा सर वेरी नाइस कहाँ से बिलोंग करते हैं थैंक यू सर यू आर फ्रॉम ओडिशा से सर पारादीप ओडिशा के सेक्रेट ओके ओडिशा में हमारे कोच वहाँ पर मिस्टर दास हैं और जो कि राउरकेला में है और सेक्रेटरी वहाँ के मिस्टर राउत हैं कल सभी का नंबर हम डिस्प्ले कर दें यहाँ भी वही सीएफआई के नाम से चलता होगा सर ओडिशा साइकिलिंग एसोसिएशन सीएफआई का भाग है अच्छा ओडिशा साइकिलिंग एसोसिएशन आइए ठीक थैंक यू सर थैंक यू वेलकम Next is Dr. Sangharsh Sarangare. Yes. Please go ahead. Unka screen par le aao. Yeah, Dr. Sangharsh Sarangare. Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself, Dr. Sangharsh Sarangare from Maharashtra, Latur. Okay, nice. Sir, my question is to Maxwell, sir. Sir, he has told that there should or if there is no background of any player who is giving trial can give more result. But as you have given all the norms of the trials of broad jump, vertical jump, and 1600 meter run, if we are doing regular practice and we qualify for the norms. Can that person perform well at the national and international level, sir? Maxwell ji, please comment. Maxwell ji. Maxi. Haji. आपसे question. आपका ये question था कि background मतलब you don't need background for this. नहीं मैं आपको clearly बताया था ये जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अंडर 14 एज ग्रुप 10 टू 14 के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता और उसके अंदर हम लोग जो है उसके अंदर से टैलेंट चूज करेंगे तो इसके अंदर आप साइकिलिंग करना कोई जरूरी नहीं है वहां वो लेवल तक मतलब वो टेस्ट वो जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का इवेंट के लिए आपको अगर साइकिलिंग का बैकग्राउंड है तो ठीक है नहीं है तो भी ठीक है हम लोग इसके अंदर क्या देख रहे कि आपका जो वर्टिकल जंप है आपका जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है इसके अंदर हम आपका एबिलिटी देख रहे हैं आपका जो टैलेंट देख रहे हैं तो आप उसके अंदर कोई भी वो एज ग्रुप का बच्चा जो है कोई भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ ट्रेनिंग का बैकग्राउंड है या नहीं है एवरी वन कैन टेक पार्ट इन दैट मैं आपको ये समझाया कि अगर टू एथलीट्स है और एक साल से जो ट्रेनिंग कर रहा और दूसरा एथलीट जो है बिना ट्रेनिंग का ये टेस्ट दिया और दोनों का बराबर है तो ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग नहीं किया वो राइडर हैज मोर टैलेंट देन द एथलीट हू ट्रेन फॉर वन ईयर तो आप कोई भी आ सकता है एवरीवन आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दिस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस प्रोवाइडेड यू फुलफिल द नॉर्म्स ऑफ द एज अब ऐसा नहीं है कि 20-25 साल का लड़का तो ले नहीं सकते इट हैज टू बी बिटवीन 10 to 14 के आसपास के अंदर एवरीवन आर वेलकम गर्ल्स बॉयज हर स्टेट से All are welcome for this. आप अपने स्टेट से या फेडरेशन से मालूम करके when these trials are being held और उसी हिसाब से आप अपने बच्चों को भिजा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर. Sir, one more question, sir. बोलिए. Sir, professional cycling के लिए हम अगर बच्चों को train करते हैं, sir, what should be the proper age for developing this component of vertical jump, broad jump and 1600 meter? What should be the age of starting? तो हम यही बता रहे हैं ना तो एज ग्रुप जो है 10 टू 14 के आसपास के अंदर हम इसके ग्रास रूट लेवल का टैलेंट इस एज ग्रुप में ढूंढ रहे हैं तो इसको आपको डेवलपमेंट करने का हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक इनबॉर्न टैलेंट होता है आप क्या है अगर आप उसको ट्रेनिंग वेनिंग कराए तो आपका थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है लेकिन किसी कोई एथलीट्स के अंदर ये एक नेचुरल टैलेंट होता है वो नेचुरली इतना कूद सकता है उसको ट्रेनिंग करने का जरूरत भी नहीं पड़ता आप कई बार ऐसा है कि आप एक एथलीट को लेके वो
एकदम 7.5 फीट कूदेगा, इसका मतलब है उसके अंदर कुछ इनबॉर्न टैलेंट है। और अगर आप अंडर 14 के कोई टैलेंट ऐसा है तो आप क्यों मेहनत करेंगे, आप भिजाओ और खेलो इंडिया और सीएफआई उसको आगे जाके उसको प्रमोट करेंगे। अगर उसके अंदर टैलेंट है तो सीएफआई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग दैट टैलेंट, आप वो उस टैलेंट को डेवलप करके आगे जाके द सीएफआई विल डू दैट। सो यू आप तो पहले टैलेंट के लिए भिजाओ, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। डॉक्टर साहब जैसा कि मैक्सवेल जी ने बताया जो ये जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है इसमें 10 से 14 साल के बच्चों का जो हमने ये टेस्ट लेने के बाद में एक टेस्ट वाट बाइक पर होता है, ये केवल लास्ट टेस्ट नहीं है, ये तीन टेस्ट में हम जो एक प्री सिलेक्शन टेस्ट है उसके बाद में वाट बाइक पर एक्चुअल साइकिलिंग टेस्ट होता है। सो फाइनली ही हैज टू गो थ्रू साइकिलिंग बिकॉज वो जो जो इन्होंने बताया 6 सेकेंड 6 सेकेंड 30 सेकेंड एंड 4 मिनट, ये चार टेस्ट उनको साइकिल वाट बाइक पर जब लेते हैं तो उसके कितना पावर जनरेट किया इसमें, उनके कैडेंस कितना है, ये उसमें चार कंपोनेंट हमें मिलता है। उसमें पीक पावर 6 सेकेंड में या 30 सेकेंड में उस बच्चे ने कितना पीक पावर जनरेट किया, 4 मिनट में कितना पीक पावर जनरेट किया, उसका एवरेज कैडेंस कितना रहा और उसका बॉडी मास के अनुसार उसका एवरेज कितना है पावर का, वो सारे रिजल्ट आ जाता है जिससे कि उसके जो इनबिल्ट कितना टैलेंट है वो हमें मिल जाता है। और फाइनल सिलेक्शन इज डन फ्रॉम दैट वाट बाइक टेस्ट। सो डोंट ट्रेन पीपल फॉर जंपिंग, द एक्चुअल ट्रेनिंग इज दैट साइकिलिंग। अगर जो बच्चा साइकिलिंग कर रहा है उसका ये जो कंपोनेंट अपने आप, क्योंकि लेग का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमने देखना है उसके अंदर, अगर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ही कैन बी ए गुड स्प्रिंटर। इफ ही इज एज ए गुड इंड्योरेंस, हमने ये भी बताया कि 1600 मीटर और 800 मीटर लड़कियों के लिए इंड्योरेंस टेस्ट होता है, रनिंग टेस्ट होता है, तो उसके अंदर इंड्योरेंस भी है। So if he is good in 4 minute test, he can perform good in endurance. But naturally, जो बच्चे 300 watt bikes 300 से ऊपर average निकालते हैं watt per minute, they are only capable to get good result. और 30 seconds में it is more than 700. 30 seconds में more than 700 average. So, वो मेन टैलेंट हंट जो हमारा स्पेसिफिक है वो वाट बाइक है। बट वो जो हमने जो भीड़ में से जो टैलेंटेड बच्चे चुनने के लिए वो हम लेते हैं। ओके, आई थिंक यू आर वी आर क्लियर। थैंक यू। नेक्स्ट इज मंथन श्रीवास्तव। यस मिस्टर श्रीवास्तव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, मेरा नाम मंथन है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हेलो, यस, फ्रॉम व्हिच प्लेस? सर मैं दिल्ली से हूँ सर। ओके सर, मेरे को ये पूछना था कि इंडिया की अभी कोई प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग टीम है, क्यों नहीं है? नहीं, अब पूछ रहे हो तो पहले सुन लो। प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम है, ठीक है, लेकिन इंडिया में रोड रेसेस ज्यादा नहीं है। हमारा जो नेशनल कोचिंग कैंप लगता है उसमें हम प्रोफेशनल साइक्लिस्ट को मौका देते हैं। पटियाला में पिछले 2 सालों से रेगुलर कोचिंग कैंप चल रहा है। जो बच्चे नेशनल चैंपियनशिप में टॉप 3 में आते हैं, बेस्ट मेडल जीतते हैं नेशनल चैंपियनशिप में, इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में और इंडिविजुअल रोड रेस में और अंडर 23 रोड रेस में, उनको मौका दिया जाता है। Now okay, we have been selecting 10 top players of India जिनका coaching camp लगता है और उनमें से selection होता है। उसके बावजूद selection trials भी होते हैं जब Indian team international championship के लिए खेलने जाती है, Asian championship के लिए जाती है। So far our the best riders are Mr. Arvind Panwar जो कि India team के member हैं, जो एक Karnataka का खिलाड़ी है नवीन जॉन मनजीत सिंह,
and they are all top players. So they are all professional road players. But उसके बावजूद जो अच्छे नए खिलाड़ी हमें मिलते हैं उनको भी मौका दिया जाता है. तुम्हारे दिल्ली से पिछली बार रोड रेस में एक लड़का जीता था, उसको मौका दिया गया था, जो पुण्य प्रताप सिंह को. एज फार एज प्रोफेशनल टीम इज कंसर्न, इंडिया डोंट हैव प्रोफेशनल रेसेस, सो मेनी प्रोफेशनल रेसेस, तो आपको ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा. लेकिन बाहर जो इवेंट होते हैं उसमें हम जब तक टीम बहुत अच्छी नहीं करेगी हम उसको बाहर बार बार नहीं भेज सकते, जब क्योंकि उसके लिए भी गवर्नमेंट को रिजल्ट दिखानी पड़ती है. Yes, yes. So far our best result is Mr. Naveen John, who has got 10th place in individual time trial in Asian Championship. Okay, sir. Thank you. Next is the name is Living on the Edge. Sorry? With the name is Living on the Edge. Sir, good morning. Listen, यहाँ पर सभी खिलाड़ियों या जो भी अटेंड कर रहे हैं वहां से सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लॉग इन करते हैं तो अपना नाम जरूर लिखिए, सो दैट वी आर एबल टू रीच आउट यू. जब आप कोई भी चीज क्वेश्चन पूछेंगे तो अपना नाम को रजिस्टर करें. आप अपने मोबाइल से सीधे रजिस्टर करते हैं देन इट इज नॉट क्लियर हु इज स्पीकिंग. ओके, टेल मी मेरा नाम सौजत्य रॉय है सर, मैं कोलकाता से हूँ. तो मेरा एक क्वेश्चन है, तो जो मैक्सवेल सर ने ऊपर का ट्रायल्स का बात किया, वो ट्रायल्स कोलकाता में क्या होता है? सी कोलकाता के बच्चे, हमने जो लास्ट ट्रायल किया था वो ट्रायल एक सेंटर बनाया गया था, दैट वाज कंडक्टेड एट रांची एंड वहां पर वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी सभी जगह के खिलाड़ी को जो लोग भाग लिए थे वहां से सिलेक्शन हुआ था. आपके आगे से मिस्टर अभिजीत सेठ है वहां के सेक्रेटरी, और उनका आपको नंबर हम कल प्रदर्शित कर देंगे, आप देख नोट डाउन कर लेना, आगे से जब भी होगा आप उनसे कॉन्टेक्ट कर. सर और एक क्वेश्चन है मेरा, और व्हाट इज योर एज? सर मैं 16 का हूँ, 17 होने वाला हूँ दिसंबर पे. तो अभी आप तो जूनियर कैटेगरी में आ रहे हो, तो इन दैट सेंस जब वहाँ ट्रायल होगा तो आप भाग ले सकते हो, स्टेट ट्रायल्स में भाग लो, और वहाँ पर अगर आपके सिलेक्शन होगी तो आप नेशनल चैंपियनशिप खेल सकते. सर और एक क्वेश्चन है सर, जैसे वेस्ट बंगाल में रोड रेस का स्टेट चैंपियनशिप होता है, तो MTB का कुछ होता है वैसा कुछ? मुझे MTB कैटेगरी में ज्यादा इंटरेस्टेड है. ओके, वेरी नाइस. MTB भी जरूर होता है क्योंकि वेस्ट बंगाल टीम खेलती है नेशनल चैंपियनशिप. दैट बेटर इट विल बी, एक दिन दो दिन के बाद में मिस्टर अभिजीत सेठ का भी क्लास है, उनसे उस दिन क्वेश्चन कर लेना, अदरवाइज मिस्टर अभिजीत सेठ का नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप उनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट इज राहुल. ओके, मिस्टर राहुल अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम राहुल है, कर्नाटका से हूँ मैं. ओके सर, मैंने अभी साइकिलिंग चालू किया है, मतलब 6 महीने होने लगे. व्हाट्स योर एज? सर 18. ओके सर, मुझे खेलो इंडिया ट्रायल देने का है, लेकिन कब कैसे देने? देखो बच्चे, खेलो इंडिया जो सिलेक्शन ट्रायल है वो अप टू 14-15 तक के लिए लिमिटेड है. अब नेक्स्ट जो स्टेज है आपके एज के ग्रुप के लिए वो है, आपने स्टेट ट्रायल्स में भाग लेना पड़ेगा. स्टेट में जो साइकिलिंग इवेंट होगा, स्टेट लेवल का चैंपियनशिप होगा, उसमें आपने भाग लेना है, स्टेट टीम में सेलेक्ट होना है, उसके बाद आप नेशनल चैंपियनशिप खेलना है. जब स्टेट टीम में भाग लोगे तो आपको नेशनल चैंपियनशिप में खेलने के लिए मौका मिलेगा, देन वहां पर आपने प्रदर्शन अच्छा करोगे तो आपको सेलेक्ट किया जा सकता है खेलो इंडिया का. थैंक यू सर. आप स्टेट चैंपियनशिप में भाग लो. थैंक यू. नेक्स्ट इज तनिष शर्मा समानता. तनिष समानता, Tanish Samanta, please. Yes, sir. Raise your question. Tanish from Telangana, Hyderabad, and I'm 15 years old. You are 15? 16 year old? 15. Okay.
So I wanted to ask whether there are any state championships in Telangana, and if there is, then what is the is there any specific date or? Now you have heard Mr. Maxwell Trevor. Yeah. Maxwell Trevor is also running one academy there in Telangana. Okay. So they have a regular championship held there. But either Mr. Maxwell Trevor or one Mr. Dattatre, who is secretary there, you can consult any of them and they will best guide you for regarding the state level championship. Sir, how can we contact them? Because the details aren't in the website. Tomorrow, I will place all secretary number on this platform. Okay? Okay, sir. You can take a photocopy and contact them. And sir, one more thing. Is it necessary to be in a state team to compete in the national championships? Or? Because national championship is held between the state teams. Okay. We do not entertain anybody, everybody. If a state champions, national championship जब होता है, तो पूरे देश के टीमें आती हैं. हर स्टेट से और डिपार्टमेंट से भी टीमें आती हैं. रेलवे की टीम आती है, सर्विसेज की टीम आती है, BSNL की टीम आती है, पुलिस टीम आती है. आपके हर स्टेट से एक ही टीम को भाग लेने दिया जाता है. तो अगर हर आदमी को हम इंडिविजुअली इंटरटेन करेंगे तो नेशनल चैंपियनशिप हो ही नहीं सकती. तो आप पहले अपने टीम, अपने स्टेट में अपना प्रदर्शन करें, वहां आपको चुनाव होगा, आप वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड या जितने भी खिलाड़ियों का वो चुनाव करना चाहते हैं वहां पर आपको उस नंबर पर आएंगे तभी आपको मौका दिया जाएगा. ओके सर, थैंक यू. नेक्स्ट इज प्रिंस कुमार. प्रिंस कुमार, please unmute yourself. Now next is Arnav Jain. Yes, Arnav Jain. Arnav Jain, please unmute yourself. Sir, so usually when the state elections happen, आपका परिचय दे दें जरा, जैन साहब. I am Arnav and I'm from Mumbai. Mumbai. Okay. Yeah. So usually when the state elections happen in any state, most of the cyclists in that state are not aware of it, and it's usually not mentioned on the website also that that when is the event going to happen. Okay. So what can be done? I understand your problem, and of course now state teams are also getting their website updated. We have already asked all the states to advertise whenever they are going to start their have their state championship. So it will be, you can understand now presently the COVID situation, the things are very haphazard nowadays. But in coming days, maybe in 21, we will ask every state to display their state championship dates well in advance. And thank you, sir. Otherwise, you can also contact the Secretary General. You also have to take a little pain. And you can take their Mr. Sanjay Sate from Ahmednagar. He is secretary. You can contact him and he will certainly guide you. In case they don't cooperate, you can come back and call us. We will help you. Thank you, sir. Welcome. Next is Surajit. Surajit to naam suna hua hai. Next is Surajit. Yes, Surajit. Next one is Amit Singh Rajput. Amit Singh Rajput. Yeah. Namaskar, sir. Yes. Hello. Yes, tell me. Namaskar. Amit Singh Molwe, Jharkhand, Lohardaga district. Okay. Actually, my coach. आपका आवाज थोड़ा ठीक. आपका आवाज थोड़ा ठीक से नहीं सुनाई दे रहा. अच्छा, माइक पास लेके बोलिए. हाँ हाँ ठीक है. अभी मैं खेल कोच हूँ.
साइकिलिंग में बची है वो सिलेक्शन हुआ था रांची में अभी अभी जो दिल्ली में जो ट्रायल हुआ था उसमें खेलो इंडिया में झारखंड से तीन लड़कियां जो है वो लोहरदगा जिले से वो निकली है सिलेक्शन हुआ है बच्चों का तो मैं एक्चुअली कराटे गेम है मेरा कराटे जूडो कराटे गेम और मैं साइकिलिंग का कोषाध्यक्ष हूँ अभी डिस्ट्रिक्ट कोषाध्यक्ष तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कोचेस के लिए क्या कोई बेनिफिट है क्या इसमें ओके सी आगे धीरे धीरे अभी साइकिलिंग एक्सपेंड हो रहा है और आपके मैंने जो रिसेंटली कुछ पेपर कटिंग भी पढ़ा था आपके स्टेट से जहां पर स्टेट में भी प्रायोरिटी गेम्स में अभी साइकिलिंग को शामिल किया गया है तो स्टेट सेक्रेटरीज अभी आगे साइकिलिंग एक्सपेंड होने के बाद में नेचुरली कोचिंग पर काफी जोर है हमारा लेकिन उसके लिए अगर कोचिंग में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू मस्ट अंडरगो द कोर्सेस कुछ कोर्स कराया जाए हाँ तो आप उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और साइकिलिंग के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ें आपको मौका दिया जाएगा आगे अगर आपके स्टेट सेक्रेटरी रिकमेंड करेंगे जो भी हमारा कोर्सेस होता है उसको आप ज्वाइन कीजिए अगर आप सीखते हैं तो नेचुरली आगे चांस बनेगा श्योर थैंक यू वेरी मच वी गिव द चांस टू एवरीबॉडी हर स्टेट से हम नॉमिनेशन मंगाते हैं तो आपके स्टेट से आपका नॉमिनेशन होगा तो जरूर आपको मौका दिए थैंक यू थैंक यू सर वेलकम नेक्स्ट वन इज सुदर्शन पलव ओके Mr. Sudarshan Pala, please unmute yourself. Two more questions, then we finish it today. Rest others can come next day. आज ही सारे क्वेश्चन नहीं पूछने हमारे पास अभी एक महीने का ये प्रोग्राम चलेगा They can keep your their questions. We will answer every day. Okay, next two questions only. Namaste, sir. Namaste. Sudarshan Pala here, sir. From Navi Mumbai. I'm an exercise physiologist. Exercise physiologist. Very good. So, as Maxwell sir said, that the norms are classified according to ages. So, I just want to clarify. It is according to ages. Age 10 to 14. Yeah. You see, 10, not even 10. I prescribe, we have a category of 12 to 14. Okay, 10, 11 is a junior one. 10, 11 is just cadet. So the youth category is 12 to 14. Junior category is 15 to 17. So these are the norms for 12 to 14 years. 14, yeah. Okay. Thank you. One more question, sir. Do we have any openings for exercise physiologists and sports scientists? I think recently SAI has advertised a lot of post for exercise physiologists. Because in cycling, we have a limited scope. We also go by the with the help of SAI, Sports Authority of India. So, in case they have already recruited so many exercise physiologists, and when we ask our requirement, they are giving us such type of sports sciences specialist. So we have only opening for the coaches and technician, cycling technician. So for other things, we are also depending on Sports Authority of India. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Next okay, we will have a last question. Yeah, Mr. Indrajit. Yes, Indrajit, please unmute yourself. Yes, sir. Good afternoon, sir. I'm Indrajit from Baroda, Gujarat, sir. Okay, good afternoon. Sir, my question is there any opportunity for the masters for the events? Masters. See, yes, presently we have been concentrating up to elite because national championship when it is held, there are 700 odd participants, 600 to 700, and we are providing all free accommodation and lodging, boarding, transportation, everything. So, including any other category will also raise more participants, and it is very difficult nowadays.
to get because of the accommodation for more than 600-700 people in a city. So we have not yet added masters event. Nowadays, we also find that there are very few sponsors coming forward for such type of events. So I'm sorry to say that for masters, we presently have, no, until unless we get sponsors. If we have enough sponsors, certainly we would like to add this category also. But because of our some restriction, financial condition, we have to conduct the youth category. There are four categories already. We have youth category, 12 to 14 years. Sub-junior category, 15 and 16 years. Junior category is 17 and 18. And from 19 to 35, we are elite category. So we can't add more participants because our event, road event runs for 4 days, for which we give 6 days accommodation and lodging boarding. For track events is held for 5 days and we give 7 days lodging boarding free of cost. So we have to manage our finances accordingly. So sorry for that. We are not. Agreed, sir, but actually other game also have masters. So masters are actually waiting for this. I told you our handicap is this. If you are from Gujarat, you get some diamond, this one, sponsor of pro for cycling, we will certainly add this event. So masters will come on own expenses, sir. Yeah. But I understand. Masters, if they come, see, 4 days we have event for continuous, morning 7 to evening 6 o'clock. Until if there is a rain, the event has to scrap. Now, any adding extra days will add the whole finance thing. So, government also don't give so much of funding for organizing national championship. It is huge expenses for lodging boarding of 600 odd people, 700 odd people. So, your point is very good, but thing is, raising any, even in India, you can understand that how many, 4 days blocking a road section, 10 to 15 kilometer, is a huge task. And traffic won't allow such type of very difficulty to get the permission for any extra days. So, your point well taken. And in case in future we get a good sponsorship, yes, why not? Please, yes, in upcoming years, sir, please think about the masters also, sir. Because we have a few people who are, coming after the age. Because they are, busy in the responsibilities and all things. Yeah. Okay. Help a younger cyclist. Yes, sir. Thank you. Sir, is there any coaching for as a coach for, as in cycling? Coaching, we have started as national level. We are conducting a national coaching course in Delhi every year. And we are inviting the state associations to send their name. So keep in touch with your state association because they have to recommend the name. We work in collaboration with the state association. And like they are working with the district association. So similarly, this is the chain. So if you discuss with them and come forward, no problem. We are open to that. Sure, sir. Thank you, sir. Okay, gentlemen. Then today session we close here because already more than one and a half hour. We have these classes for a month together. So the rest of the questionnaires can be addressed later on. Tomorrow we have a session for your cycles, where how to procure a cycle, what are the cycling equipment used for cycling, cycle racing. So uske vishay mein ek achhi jankari leke Mr. S.C. Paule aayenge, jo ki Maharashtra se hain, coach hain, senior coach hain. He is a chief coach of National Guwahati. NCOE, जो National Center of Excellence बना है, गुवाहाटी वहाँ के चीफ कोच हैं, और वो कल लेकर आएंगे, उसके साथ साथ हम
साइकिल पर पोजीशन कैसे, एक राइट पोजीशन कैसे बनाते हैं, उसके विषय में भी आपको ब्रीफ करेंगे. थैंक यू फॉर द टुडे सेशन. थैंक यू एवरीबॉडी.